दोस्तों नमस्कार, ये जो देख रहे हैं ये फॉर्च्यूनर कार है और मैंने खरीदा, मैंने अपने नाम पे खरीदा, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब आज को आपको मैं बताने वाला हूं। अभी जो मैंने एयरपोर्ट पे ऑक्शन पे डाली हुई थी जो गाड़ियां की, उस पे बहुत सारे कमेंट आए थे और बहुत वो वीडियो चला, उसमें बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोग को धन्यवाद। आज मैं आपको ये पूरा डिटेल देने वाला हूं कि मैंने कब और कितने में और कहां से खरीदा और किसको बेचा, और आज आप खुद डिसाइड करें कि क्या आपके लिए ये सुटेबल है या नहीं है, या जो भी एक व्यक्ति जो अपने पर्सनल यूज के लिए कार लेना चाहता है उसके लिए सुटेबल है या नहीं है, वो आप डिसाइड कीजिए, वो मैं नहीं डिसाइड करने वाला हूं। आपको बस मैं जो भी है इसकी हकीकत, वो आज पूरी हकीकत आपको बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहले तो आप लाइक कर दे ताकि ये लोगों तक पहुंच सके और लोगों को आप शेयर करें। तो दोस्तों ये जो फॉर्च्यूनर कार है, ये फॉर्च्यूनर कार हमने अभी खरीदी थी पिछले साल, और इसको हमने खरीदा, इसको हमने चलाया और चला के बेचा भी, और इसमें अपना प्रॉफिट भी कमाया। और आपको मैं पूरा कुछ बताने वाला हूं कि ये कार जो है वो कितना गवर्नमेंट ने प्राइस रखा था और कितने में हमने खरीदा और हमने कितने में इसको सेल किया। तो दोस्तों आप सबको, जैसे कि जो भी मेरा चैनल देखते हैं उनको पता है कि कुछ भी ऑक्शन से खरीदने से पहले आपका ऑक्शन विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक बायर कार्ड मिलता है, वो बायर कार्ड ले जाकर के ही आप माल का इंस्पेक्शन कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। हमारी कंपनी जो आपका रजिस्ट्रेशन कराने में और आपको ट्रेनिंग देने में, या आप कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं या कुछ प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आज करोड़ों नहीं अरबों का प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं कस्टम स्टेशन पे पड़ा हुआ है, और वो माल जो लोग इंपोर्ट किए उनका फंस गया और वो ऑक्शन हो रहा है, जो माल लोग एक्सपोर्ट करने गए वो फंस गया और वो ऑक्शन हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऐसा हो रहा है लैक ऑफ नॉलेज के कारण। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि इंपोर्ट करने से पहले कौन से पेपर की जरूरत है तो आप फंस जाएंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप कुछ भी अपना करोड़ों रुपए लगाने से पहले, लाखों रुपए लगाने से पहले थोड़ा सा नॉलेज गेन कीजिए कि अगर मैं ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करने जा रहा हूं तो कस्टम के व्यू से क्या लगेगा डॉक्यूमेंट, सप्लायर से मुझे क्या डॉक्यूमेंट लेना है, मुझे कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करने हैं, इसका ध्यान रखिए। ठीक उसी तरह से जब आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो आप इसका ध्यान रखिए कि एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करने हैं, कौन से रजिस्ट्रेशन पहले करने हैं और कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन करने हैं, और जो इंस्पेक्शन है जैसे हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं उसके क्या कस्टम नॉर्म्स हैं, ये सब अगर आपको ध्यान होगा तो आपका माल कहीं नहीं फंसेगा, ना ही इंपोर्ट किया हुआ माल फंसेगा, ना ही एक्सपोर्ट करने में फंसेगा। इसी तरह से ऑक्शन है, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले आप उसके रूल को पढ़े दोस्तों, रूल को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप समझ के करेंगे तो ही ये प्रॉफिटेबल है, और खास करके अपने प्रोडक्ट में आप डील करें, मेरी गारंटी है कि आपको लॉस नहीं होगा। हाँ आप ये सोचते हैं कि नहीं हम पैसे के दम पे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। और मेरे पास सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मेरे पास कोई तिजोरी नहीं है कि मैं आपको कुछ दिला सकता हूं, मैं आपको रूल और रेगुलेशन समझा सकता हूं, मैं इस रास्ते पे आपको ढंग से कैसे चलना है वो सिखा सकता हूं। आज जो ये डिटेल मैं आपसे लेके आ रहा हूं, मैं ये गाड़ी का नंबर तक डाला हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये गाड़ी मैंने अपने नाम पे खरीदी और अपने नाम से बेची, तो इस वजह से मैं इसका नंबर दिखा रहा हूं। और ये नंबर अब बदल चुका है क्योंकि जो ये पार्टी ने खरीदा था कार वो लेकर के गए पंजाब में, और पंजाब में इसका नंबर बदल चुका है। मैं दोस्तों एक बार आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ऑक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको टाइम टू टाइम हम इंफॉर्मेशन दे सके और आप बहुत कुछ सीख सके। ऐसा नहीं कि जरूरी कि आप हमसे जुड़े, आप हमारे चैनल को फॉलो करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से अभी जैसे हमने एयरपोर्ट के ऑक्शन का वीडियो डाला था तो वो बहुत लोगों ने उसपे प्यार दिया, लगभग वो 2 मिलियन लोगों ने हमें फेसबुक पे उसका लोगों ने देखा, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे लाइक आए। उसके वजह से मैं ये कार का वीडियो लेकर के आया हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, ठीक वीडियो के लिंक के नीचे हमारा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप उसमें जुड़ जाइए। उसमें जुड़ के अभी तो मैं आपको जो यहाँ पिक्चर दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये 7-8 पिक्चर दिखा रहा हूं इस गाड़ी की, लेकिन इस गाड़ी की पिक्चर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप 50 फोटो देख सकते हैं, हर एंगल का फोटो है। क्योंकि बेचने के लिए क्या है ना कि मैं नहीं बेच पाया तो डीलर ने बेचा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं था खरीदना और बेचना, तो ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया और फिर डीलर ने इसको बेचा। ये सारी स्टोरी अभी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो मेन जो मेरा मोटिव है
कि आप इंफॉर्मेशन गेन करें जितना हो सकता है, और जितना इंफॉर्मेशन आपके पास होगा समझिए कि आप उस काम को उतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं, KYC क्या होता है, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन होते हैं, सब कुछ मेरे चैनल पे इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं, आप उसको वीडियो को स्क्रॉल करके देखिए और सीखिए। देखिए जितना आप सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। अब हम आते हैं इस फॉर्च्यूनर के स्टडी पे, और हमने बहुत सारा प्रोडक्ट खरीदा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने पीछे ट्रोली बैग भी खरीदे थे, उसका भी मैं एक दिन वीडियो बना के डाल ही दूंगा कितना प्रॉफिट कमाया। उसके बाद हमने बच्चों का कपड़ा भी खरीदा, उसके बाद हमने एक सीट का कंटेनर भी खरीदा। तो जो हमें लगता है कि हाँ मैं 100% बेच पाऊंगा तो उसी को करता हूं, और जो प्रॉफिट में मिल रहा है उसी को करते हैं हम लोग। तो आइए अब हम इसके डिटेल के बारे में, फॉर्च्यूनर के डिटेल के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों आप ये सोच लीजिए कि गवर्नमेंट की जो वैल्यूएशन की नीति है वो कैसी होती है। देखिए कोई भी इंपोर्ट का प्रोडक्ट आप जब खरीदते हैं तो जो उसका मार्केट वैल्यू होलसेल में, ध्यान रखिएगा, जो मार्केट वैल्यू होलसेल में अभी चल रही होती है उसमें 30% लेस करके उसका प्राइस रखा जाता है। ठीक है, एक समझ में ये आ गया आपको। दूसरा अब इस फॉर्च्यूनर की वैल्यू देख लीजिए, इतनी अच्छी कार जिस टाइम मैंने खरीदा ये धूल मिट्टी इस पे जमे हुए थे, हमने खरीदने के बाद कुछ नहीं किया, इसकी धुलाई करवाई, इसको पॉलिश करवाया, टोटल इसमें हमारा जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ वो हुआ 15,000। कितना खर्च हुआ दोस्तों? 15,000 रुपए मैंने ये फॉर्च्यूनर खरीदने के बाद एक जगह भेजा जहां पे इसको पॉलिश वगैरह किया गया। और बाकी अगर एक सामान की बात करें ना तो ये 15,000 ही टोटल खर्चा हुआ, जिसमें इसकी बैटरी भी चेंज की गई, क्योंकि काफी टाइम से ये कार जो है खड़ी थी और इसका बैटरी खराब हो चुका था और इसका बस बैटरी चेंज किया, तो ये 15,000। तो हमने जो ये ऑक्शन प्राइस इसका रखा गया था 5,75,000। दोस्तों बिल्कुल मैं यहां कैमरे पे ये बात बता रहा हूं, ये 5,75,000 रुपए इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू रखी गई थी, और मुझे पता था कि 5,15,000 इंट्रेंसिक वैल्यू है, तो देखते हैं कहां तक ले सकते हैं। तो मैं बिड कर रहा था और भी लोग बिड कर रहे थे, तो जब और भी लोग बिड कर रहे थे और मैं भी, तो हम टक्कर चलेगी, और टक्कर चलते चलते मैंने इस गाड़ी को खरीदा कितने में दोस्तों? मैंने इसको खरीदा 9,75,000 रुपए में। अब आप सोचिए कि कहां 5,75,000 रुपए की गाड़ी, कहां 5 लाख, कहां देखिए 5,75,000 रुपए की गाड़ी कितने में बिकी दोस्तों? 9,75,000 रुपए में, ये टैक्स इंक्लूडेड है। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो मैं प्राइस बता रहा हूं इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, जो कि 18% GST वो इंक्लूडेड है इसमें। अब ध्यान रखिए कि 9,75,000 रुपए में जी हमने खरीद लिया, और प्लस 15,000 रुपए हमने इसमें इसको मतलब पॉलिश वॉलिश करने से लेके या इसकी बैटरी चेंज कराने तक 15,000 रुपए जी हमसे खर्च हुए इसमें। अब इतना कुछ करने के बाद मैंने, आप बिलीव कीजिए, अब मैंने गाड़ी खरीद तो ली, बट ये मेरा काम नहीं है, गाड़ियों का खरीद बेच करने का मेरा काम नहीं है, बट मैंने गाड़ी चलाई और इतनी अच्छी गाड़ी थी कि मेरा एक चैनल है धीरज पांडे लाइव करके, इस गाड़ी का चलाते हुए पूरा इंटीरियर का अंदर का सबका एक वीडियो मैंने डाला था कि रात को जब वो कंटेनर आया था मेरे पास ट्रोली बैग वाला, तो वो इस गाड़ी का वीडियो जब मैं गया माल खरीदने, माल लेके आया, इस पूरे गाड़ी का वीडियो है वो, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, आप इस वीडियो को जाके चेकआउट कीजिए। और जब ये गाड़ी हमने ले लिया और हम चला भी लिए भाई गाड़ी, भाई मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा सौदा हमने कर लिया, लेकिन अब इसको बेचने का काम, क्योंकि अब इसमें इसको रख नहीं सकता था, क्योंकि मैंने अभी से 4 महीना पहले ही एक नई किया सेल्टोस खरीदी थी। अब जो कि नई किया सेल्टोस है और पुरानी गाड़ी, नई और पुरानी में कितना भी अच्छा हो थोड़ा अंतर तो होता ही है, और एक तो दिल्ली में वैसे ही पार्किंग का प्रॉब्लम है और एक होंडा सिटी मेरे पास पहले से गाड़ी है, तो तीन तीन गाड़ी को रखना थोड़ा सा हैक्टिक हो गया। तो फिर मैंने क्या हुआ कि इसको बेचने का ट्राई करने लगा दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला। अब मुझे क्या हुआ कि 10 लाख रुपए तक की ये गाड़ी पड़ गई। अब 10 लाख रुपए में भाई जाहिर सी बात है मुझे 2-3 लाख रुपए बचना चाहिए, 2 लाख तभी मैं सेल आउट करूंगा। मैंने काफी ट्राई करने के बाद मुझे एक भी बायर नहीं मिला दोस्तों, मैं जो भी है ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, मुझे एक भी बायर नहीं मिला, जबकि मेरे खुद के
पेड क्लाइंट 1000 हैं जो गाड़ियों का भी काम करते हैं और अन्य काम करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं इसको नहीं बेच पाया, क्यों? क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं गाड़ी सेलिंग और बाइंग का काम नहीं करता हूं, पहले ध्यान रखिएगा। लेकिन अब जैसे ही मेरे एक मित्र के जानने वाले गाड़ियों का काम करते हैं यहां पे, अब आप सोचिए कि उन्होंने 2 दिन के लिए गाड़ी ली और गाड़ी को बेच दिया, उन्होंने 2 दिन के लिए गाड़ी ली और मुझे जैसा पता है 12,40,000 तो उन्होंने मुझे दिया। दोस्तों 12,40,000 कितना मुझे मिला? 12,40,000। अब आप ये देखिए कि मैंने खरीदा था 10 लाख में, हमने गाड़ी 2-3 महीना खूब चलाई, मतलब कई तीर्थ यात्रा पे हुआ है, मथुरा वृंदावन, उसके बाद में मेहंदीपुर बालाजी और कई जगह गाड़ी से घूमा। भाई फॉर्च्यूनर था, सोचे कि भाई इसी बहाने घूम लेते हैं, हमने गाड़ी से घूमा खूब। गाड़ी से घूमने के बाद जब बेचने की स्थिति आई तो हम नहीं बेच पाए। अगर हम मुझे कोई, आप सच पूछिए, मुझे कोई 11 लाख भी देता तो भी मैं गाड़ी दे देता, मुझे कोई 11 देता मैं तो भी तैयार था। मैंने अपने कई क्लाइंटों को बोला कि भैया ठीक है मेरी ये खरीद है, आप 11 दे दो, मैंने तो भाई चला लिया, आप ले जाओ गाड़ी। लेकिन आप बिलीव कीजिए कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन ब्रोकर का ये काम है सेल करने का। ब्रोकर ने क्या किया, 2 दिन के अंदर में आप बिलीव कीजिए 12,40,000 तो मुझे दिया, आप बिलीव कीजिए, और उन्होंने जो गाड़ी बेची, जहां तक मुझे नॉलेज है, वो 14 लाख से ऊपर की गाड़ी उन्होंने बेची। किसको बेची? पंजाब में बेची। अब पंजाब में जाके इसका नंबर भी चेंज हो गया है दोस्तों, क्योंकि दूसरे स्टेट में गया, गाड़ी फर्स्ट ओनर थी और गाड़ी का हमने, मेरे नाम पे ट्रांसफर भी नहीं हुआ, मेरे नाम पे बस लेटर मिला, हमने पेमेंट किया और हमने क्या किया, वही सेम आगे पार्टी को दे दिया। अब मुझे नहीं पता था, मुझे तो एक ये भी टेंशन हो रहा था कि गाड़ी जब मैं अपने नाम पे ट्रांसफर करा लूंगा तो सेकंड ओनर हो जाएगा, सेकंड ओनर होने के बाद मैं जिसको बेचूंगा वो थर्ड ओनर हो जाएगा, तो ये बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ब्रोकर का काम क्या है, ब्रोकर को सब कुछ पता है, ब्रोकर की जो दिन रात गाड़ी का खरीद बेच कर रहा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको उसी प्रोडक्ट में प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा जिसमें आप डील कर रहे हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि देखिए मैं एक नया था, मैंने 10 लाख में खरीदा, गवर्नमेंट की जो वैल्यू थी 5,75,000, हमने 9,75,000 में खरीदा, 15,000 रुपये लगाया, डीजल विजल सब लगा के, डीजल गाड़ी थी दोस्तों 2014 मॉडल, डीजल गाड़ी 2014 मॉडल थी, और हमने ये सब कुछ करके 10 लाख रुपए खर्च कर लिए। 10 लाख के बाद में भी दोस्तों ये देखिए कि मैंने इतना गाड़ी चलाने के बाद, और गाड़ी को हमें 12,40,000 रुपए मिल गए। अब यहाँ पे देखिए 10 लाख लगा, 2,40,000 रुपए की प्रॉफिट हुई, गाड़ी भी हमने फॉर्च्यूनर चलाया कुछ दिन। उसके बाद में जो डीलर था, यहाँ पे देखने वाली बात है, डीलर ने क्या किया, डीलर ने अपने पास गाड़ी खड़ी करी, 2 दिन का उसका टाइम लगा और उसने क्या कमाया, 2 लाख रुपए कमाए। अब आप सोचिए मैंने 6 महीने तक रखी गाड़ी अपने पास, मैंने पैसा लगाया और ये भी डर लग रहा था कि अगर डीलर नहीं बिकवाता तो मैं तो इसको बेच ही नहीं पाता, तो ऊपर से 3-3 गाड़ियों का टेंशन कि भाई गाड़ी जल्दी बिके। और 90% क्या होता है, मेरे साथ कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, बोलते हैं भैया पैसे लगा दो, कोई बात नहीं, अब पैसे जो लगा रहा है उसको प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। अब मेरे ऐसे ऐसे दोस्त है, वो कहते हैं धीरज पैसे लगा दो, कोई बात नहीं पैसे लगा दो। तो हमने सूटकेस का भी कंटेनर ऐसे ही खरीदा, पैसा किसी और का था, ये गाड़ी में भी पैसा किसी और का था, लेकिन मेरा काम क्या है कि टाइम पे बेच के उनको देना। इससे पहले जो मैंने वो कंटेनर, जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक कंटेनर हमने सीट का बेचा है, पूरे 5 लाख का प्रॉफिट एक कंटेनर में, उसका भी पूरा फुल वीडियो लेके आने वाला हूं ताकि आप लोग समझे। देखिए कई जगह ऑक्शन में अभी भी गड़बड़ियां है, आप बिलीव कीजिए, जब गड़बड़ी खत्म तब होगी जब लोग इसमें ज्यादातर पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों का झुकाव जो है बढ़ेगा। देखिए ये बिजनेस जो है किसके लिए खराब है, जिसको, जिसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, जो नॉलेज गेन करना नहीं चाहता है, बस ब्लेम करना चाहता है, वो ब्लेम करने से अच्छा है आप नॉलेज गेन कीजिए उसके बाद पार्टिसिपेट कीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो अब आपको समझ में आ गया है कि 2014 मॉडल, भारत सरकार ने जो इसका प्राइस रखा था, वैल्यूएशन डिपार्टमेंट ने, एक चार्टर्ड इंजीनियर होता है वो वैल्यू करने वाला, उन्होंने वैल्यूएशन रखा 5,75,000 रुपए, ठीक है जी। हमने गाड़ी खरीदा जी 9,75,000 में, लेकिन गाड़ी ऐसी नहीं दिख रही थी, फिर से मैं आपको बताऊंगा, गाड़ी ऐसी नहीं दिख रही थी, गाड़ी पे धूल मिट्टी, ऐसा लग रहा था कि 5-75 लगाए तो 6-7 लाख तक गाड़ी बिकेगी और कुछ नहीं होगा। हम भी गाड़ी गए देखने, तो हमने बस स्टार्ट करके गाड़ी देखा
और दैट्स इट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी बहुत सारी गाड़ियां बिकनी हैं और आप गाड़ी खरीद सकते हैं। अब यदि आप डीलर हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर कोई पर्सनल आदमी गाड़ी लेना चाहता है तो उसमें भी हम ट्राई करेंगे आपका हेल्प करना, बट हम ये श्योरिटी नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग भी इतने झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं। झमेले में हम तभी पड़ेंगे जब हमें प्रॉफिट दिखेगा अच्छा खासा, नहीं तो हम नहीं दिखेंगे दोस्तों। तो ये इस गाड़ी की पूरी डिटेल है और ये जो हमने पूरा खरीदा है ये सारा ऑन पेपर है और ये मतलब कुछ छुपा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। गाड़ी का नंबर चेंज हो चुका है, पंजाब में गाड़ी बिका है, पंजाब में हमारे 50 क्लाइंट है लेकिन हम नहीं बेच पाए और डीलर 2 दिन के अंदर बेच दिया। तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि जिसका काम है उसी को अच्छा लगता है। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। हौसला अफजाई के लिए आप अपना कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ आपको ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा या वो खराब लगा चीज़ें। मेरे पास जो इतने 1000 क्लाइंट जो हमने अभी तक बनाए हैं, अब हमने 1000 क्लाइंट बनाए बट MSTC के पास रजिस्ट्रेशन कितनी हुई है? 3 लाख। 3 लाख हमारे वीडियो बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन MSTC पे हुई। तो 2,99,000 ऐसे लोग हैं जिनको या तो नॉलेज नहीं है या अगर होगा भी तो ऐसे हैं कि उनको पूरा नॉलेज नहीं है। अगर पूरा नॉलेज नहीं है तो ध्यान रखिए गलती होगा और बहुत सारे ऑक्शन में त्रुटि है। MSTC की तरफ से बहुत बड़ी गलतियां होती है, भारत सरकार के तरफ से भी है, लेकिन जब तक उसको देखिए ऑक्शन से रिलेटेड कोई एसोसिएशन नहीं है इंडिया के अंदर में, इसी वजह से इतनी गड़बड़ियां हैं। तो जब तक इसका एक यूनियन नहीं बनेगा, एक यूनिटी नहीं आएगा सबके अंदर, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी ना घबराए कि हाँ ऑक्शन में बहुत लोग बढ़ रहे हैं और ये बिजनेस खराब हो जाएगा, नहीं। ये एक समंदर है और गलती करने वाले पूरा देश बैठा हुआ है, वो गलती करते रहेंगे और उसका फायदा आपको मिलता रहेगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि नहीं भाई ये जो है ऑक्शन तो एक तरह से लोगों का माल कब्जा किया हुआ है। अरे किसका माल कब्जा किया हुआ है? भारत सरकार का एक रूल है, उस रूल को जो तोड़ेगा उसको तो जुर्माना भरना पड़ेगा ना। इंपोर्ट में जितने कंटेनर पड़े हुए हैं, आज आपने 10 लाख 20 लाख 50 लाख एक एक करोड़ का कंटेनर आप मंगा लेते हैं लेकिन आप अपना 2-4 घंटा उसके नॉलेज पे खर्च नहीं करते हैं, तो ये आपकी गलती है, ये भारत सरकार की गलती नहीं है। मेरे पास जितने भी क्लाइंट हैं मैं सबको बोलता हूं, अगर किसी के साथ मान लीजिए सबको प्रॉफिट ही नहीं होता है, किसको लॉस भी होता है, जिनको लॉस होता है मैं उनको बोलता हूं आइए मेरे चैनल पे आके बैठ के बोलिए, मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं कि ये गड़बड़ियां हैं, तभी तो आगे उसको ठीक कराया जा सकता है। लेकिन जिसको भी देखे वो कहेगा सर देखिए मैं तो बिजनेसमैन हूं और मुझे बिजनेस करना है, मैं ये सब करके हाईलाइट नहीं होना चाहता हूं। भाई हाईलाइट होने से क्या है, हम भी तो हाईलाइट है, हम भी तो माल खरीद रहे हैं, हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, हमें अपने हक के लिए आवाज तो उठाना पड़ेगा, नहीं उठाएंगे तो सहते रहिए भैया। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही और बहुत कुछ आप समझ चुके होंगे इस वीडियो में, बहुत सारे आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।